आदरणीय मंच, महेश गिरी जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं महेश जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। उनके साथ आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का मैं भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, मैं कुछ दिन पहले एक टीवी के इंटरव्यू में मुलाकात दे रहा था तो मुझे वो सवाल पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, मंत्री कौन बनेंगे, सरकार आएगी कि नहीं आएगी। तब मैंने एक जवाब दिया था कि आप सब जो सवाल पूछ रही है सब सवाल महत्वपूर्ण है, पर इन सबसे भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल अगर कोई है तो आज हमारा देश बहुत कठिन स्थिति से जा रहा है, आर्थिक दिवालापन निकलेगा इस प्रकार की आर्थिक स्थिति है, कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ी है और भ्रष्टाचार ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है। आज अगर इस देश में सबसे बड़ा सवाल अगर कोई है तो हमारा देश कैसा बचेगा, हमारे देश को हम कैसे बचाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है जो हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के विचारों को लेकर काम करती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, अनेक कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। आज महेश जी, आदरणीय गुरु जी श्री श्री रविशंकर जी के साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, आगे भी करेंगे, पर इस देश का अध्यात्म हो, इतिहास हो, विरासत हो, संस्कृति हो, ये उसी समय टिकेगी अगर देश अगर ठीक रहेगा तो। आज हमारा देश ऐसा है कि वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन, देश धनवान है पर जनता गरीब है। आज हमारे देश में जो लीडरशिप है वो इनडिसिसिव है, इनकॉम्पिटेंट है, विजनलेस है और देश का पूरा सत्यानाश कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने किया है। इस देश को बचाना है तो अच्छे अच्छे लोगों को राजनीति में लाना होगा। मुझे याद है कि कॉलेज में तीन मित्र थे, जो मेरिट में पास हुआ वो आईएएस ऑफिसर हुआ, जो फर्स्ट क्लास में पास हुआ वो चीफ इंजीनियर हुआ और जो तीन बार फेल हो गया वो मिनिस्टर बन गया। अब लोग कहते हैं कि सरकार अच्छा काम नहीं करती, अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे जो देश के सामाजिक शैक्षणिक राजनीतिक सवालों को समझते हैं, जो देश का विकास करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अच्छा काम कर सकते हैं। मैं इंजीनियर नहीं हूं, मुझे सिविल इंजीनियरिंग की कोई जानकारी नहीं है, पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कंक्रीट का सिविल इंजीनियरिंग का काम लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड में मैंने किया। तो आप शायद पूछोगे कि जब आप इंजीनियर नहीं है तो इतना काम आप कैसे कर सके। जिसका जिक्र महेश जी ने किया था, मुंबई में 55 उड्डान पुल, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और समुद्र में आप टीवी पर जो देखते हैं वरली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, ये सब प्रोजेक्ट खड़े करने का काम मुझे सौभाग्य मिला। पर मैं इसलिए कर सका कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग की जानकारी थी इसलिए नहीं कर सका। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूं, लॉ ग्रेजुएट हूं और मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मैंने किया। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, पर सरकार में पैसे नहीं थे तो 4000 करोड़ रुपए कैपिटल मार्केट से खड़े मैंने करने का सौभाग्य मुझे मिला। जनता ने पैसे दिए और 2.5 साल में 8.5 करोड़ के काम हुए। जब मुझे पूछते हैं लोग कि आप इतना काम क्यों कर सके,
तब मैंने एक बहुत सीधे वाक्य में इतना ही कहा कि मुझे इतना ही पढ़ाया गया है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में, विद्यार्थी परिषद में, कि देश के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो, गरीब के लिए काम करो, देश और समाज के कल्याण के लिए काम करो। अब जब मुझे अवसर मिला तो मैंने यही काम करने की कोशिश की, यही मेरी प्रेरणा थी। राजनीति बुरी नहीं है, अगर नेतृत्व सही होगा, काम करने वाले मंत्री अगर अच्छे होंगे, सरकार अगर अच्छे लोगों की होगी, तो देश की तकदीर और देश को, भविष्य को बदला जा सकता है। आज गुजरात में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 11.5% है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18.90 है। गुजरात का जीडीपी 11.50 है, मध्य प्रदेश का जीडीपी 11.20 है, और सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का जीडीपी 4.50 है और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2% है। अगर गुजरात में कृषि का विकास हो सकता है, अगर मध्य प्रदेश में कृषि विकास हो सकता है, तो हिंदुस्तान में खेती का विकास क्यों नहीं हो सकता? अगर गुजरात में युवाओं को रोजगार मिल सकता है, अगर मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिल सकता है, तो पूरे देश में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी क्यों है? बहनों और भाइयों, गाड़ी किसी भी कंपनी की खरीदी करिए, मर्सिडीज की सबसे अच्छी गाड़ी आप खरीदी करके लाएंगे, पर ड्राइवर को चलाना नहीं आता होगा तो एक्सीडेंट के बिना कुछ नहीं होगा। यह प्रॉब्लम है, समस्या जो गाड़ी के साथ नहीं है, समस्या ड्राइवर के साथ है। इस देश को चलाने के लिए अगर सही ड्राइवर मिलेगा तो देश का भविष्य बदलेगा। आज देश का भविष्य बदल सकता है, देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं, हमारे हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर एक की ताकत बना सकते हैं। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, पूरी दुनिया हमारे तरफ अपेक्षा के अवसर से देख रही है। सब कुछ होने के बाद भी हम महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं। इसका कारण यही है कि चाणक्य जी ने, जिसमें महेश गिरी जी आर्य चाणक्य जी को बहुत मानते हैं, उनके जीवन का एक प्रसिद्ध वाक्य है कि आज समाज में अनास्था है, अत्याचार है, आतंक है, भ्रष्टाचार है, अगर गलत चीजें तो इसका कारण क्या है? दुष्ट लोगों की दुर्जनता के कारण ये समस्याएं नहीं है, तो अच्छे और समझदार और विद्वान लोगों की निष्क्रियता और स्तब्धता के कारण देश को लूट रहे लोग। राजनीति का अर्थ केवल सत्ता कारण नहीं होता। चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना, एमएलए, एमपी बनना और मंत्री बनना, यह राजनीति का अर्थ नहीं होता। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति ये प्रभावी उपकरण है। हम एमएलए, एमपी बनने के लिए राजनीति में नहीं आए, हम हिंदुस्तान की तरक्की और विकास करना चाहते हैं। अमरीका में से 10 डॉक्टर अच्छे, उसमें से 4 डॉक्टर भारतीय है। मैं जापान में गया था, वहां के बड़े मिनिस्टर साहब मुझे पूछ रहे थे, नितिन जी बताओ कि आपके देश के कंप्यूटर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इतने होशियार कैसे हैं? क्या उनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स हैं? बहनों और भाइयों, हिंदुस्तानियों में प्रतिभा है, पर सब कुछ होने के बाद देश पीट रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारों को संख्या बढ़ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना बंद हुआ है, जो आई वो वापस जा रही है, अब देश के उद्योगपति भी अपनी पूंजी को लेकर देश की बाहर जा रहे हैं। आशिया में सबसे ज्यादा कोल हमारे पास है, फिर भी 20 बिलियन डॉलर का कोल हम आयात कर रहे हैं, 60 बिलियन डॉलर गोल्ड हम आयात करते हैं, हमारे पास 17 गोल्ड की माइन है, पर हमारे देश में हम सोना नहीं निकाल सकते, हम बाहर से ला रहे हैं।
हमारे देश का किसान पेट्रोल डीजल बिजली तैयार कर सकता है, पर हमारे देश में 6 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में 350 बिलियन डॉलर का अंतर है। और आज तो हालत ऐसी बनी है कि इन्फ्लेशन के, फूड इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए हैं। देश को अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मिला तो लोगों ने उम्मीद की थी कि कम से कम अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री देश की अर्थनीति को सुधारेगा, पर 9 साल में देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है। मैं महेश जी का अभिनंदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी देश के तस्वीर को, देश के भविष्य को बदलना चाहती है। जात पंथ धर्म भाषा सेक्स इसके आधार पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन भारतीय जनता पार्टी को मान्य नहीं है। जल जमीन जंगल जानवर स्वदेशी का विचार, विज्ञान तंत्र विज्ञान का आधार और विवेकानंद जी के सपने का 21वीं सदी का हिंदुस्तान बनाना, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। यह विचार किसी व्यक्ति के आशा आकांक्षा और महत्वाकांक्षा से जुड़ा नहीं है। यह प्रयास किसी एक व्यक्ति को, कुछ लोगों को, चुने हुए लोगों को मंत्री मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं है। यह विचार देश के तस्वीर को बदलने के लिए है। और यह तस्वीर उसी समय बदलेगी कि जब समाज में क्षमतावान लोग, जो विद्वान है, जिनमें क्रिएटिविटी है, जो ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान को जानते हैं, जो आध्यात्मिक विरासत को समझते हैं, जो संस्कृति और इतिहास और पुरातन हमारे मूल्यों के आधार पर जो परिवार जीवन पद्धति है, जो मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति है, जो मूल्याधिष्ठित शिक्षा पद्धति के आधार पर संस्कारित युवाओं को बनाना चाहते हैं, ऐसे विचारों से प्रेरित होकर महेश जी ने अपने जीवन को समाज और देश के लिए समर्पित किया है। मुझे बहुत खुशी है। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि अच्छे लोगों ने सभी पार्टियों में जाना चाहिए। अगर सभी पार्टी में नेता अगर अच्छे होंगे तो राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन होगा, क्वालिटेटिव चेंज होगा, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत होगा, इस देश के डॉक्टर प्रोफेसर वकील लॉयर पत्रकार विचारवंत साहित्यिक कवि और ध्येयवादी कार्यकर्ता अगर सभी पार्टियों में जाएंगे तो राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन आना चाहिए। अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए। अच्छे कार्यकर्ता आएंगे तो अच्छे नेता बनेंगे, अच्छे नेता बनेंगे तो अच्छे एमएलए एमपी बनेंगे, अच्छे एमएलए एमपी बनेंगे, अच्छे मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे, देश की तस्वीर बदल जाएगी। और इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो देश की समस्याओं को समझते हैं, जो देश की हालात से चिंतित है, जो गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण की बात करते हैं, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में आते तो हमारी ताकत बढ़ती है। कोई कठिन बात नहीं है ये, मैं मेरे ऊपर विश्वास रखिए। मैं मंत्री था तो सरकार से 10 करोड़ रुपए मैंने लिए और 4000 करोड़ रुपए लोगों से इकट्ठा किए और 2.5 साल में 8.5 हजार करोड़ के काम किए थे। पैसा है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, सब कुछ है, पर अच्छे नेता चाहिए, अच्छे कार्यकर्ता चाहिए। अच्छे कार्यकर्ता और अच्छे नेता होंगे तो देश बदलेगा। एक छोटा सा बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आता है। मैं बचपन में जब था तब हमारे गुरुजी ने बताया था कि बरसात के दिनों में स्टीम इंजन पर एक गाड़ी बहुत जोरों से चल रही थी, पानी सब जगह बरसात ऊपर से बहुत आ रही थी, नदियां के पुलिया के ऊपर से भी पानी बह रहा था, तो रेलवे के इंजन चलाने वाले ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया क्योंकि सब तरफ पानी ही पानी था। ऊपर पानी था, नीचे पानी था, बाजू में पानी था, सब जगह पानी था, सामने पानी था, नदी के पुलियों के ऊपर से भी पानी बह रहा था। 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, 4 घंटे हुए, 8 घंटे हुए, बरसात रुक गई। धीरे धीरे बरसात बंद हो गई, रेलवे की लाइन ठीक प्रकार से दिखने लगी,
जो रेलवे के नदी पर जो पुल था उसके ऊपर का पानी नीचे चला गया, तब गाड़ी में बैठे हुए लोगों को लग रहा था कि अब गाड़ी चलेगी, हम स्टेशन पर पहुंचेंगे, पर इंजन चालू ही नहीं हुआ, गाड़ी चालू नहीं हुई। तब गाड़ी में बैठे हुए प्रवासी इंजन ड्राइवर के पास आया और उन्होंने कहा, देखो पहले बरसात थी, रेलवे लाइन के ऊपर से पानी बह रहा था, पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, आपने गाड़ी रोकी थी, पर अब बरसात रुकी है, रेलवे की लाइन ठीक प्रकार से दिख रही है, अब गाड़ी क्यों नहीं चल रही। तब इंजन ड्राइवर ने बहुत अच्छा जवाब दिया, उसने कहा कि ये जो स्टीम इंजन जिस पानी के ऊपर चलता है वो टंकी के लीकेज था, और जो शुद्ध और स्वच्छ जल था वो 8-10 घंटे में पूरा बह गया है, अब पानी ऊपर है नीचे है सब जगह पानी ही पानी है, पर गाड़ी के टैंक में शुद्ध और स्वच्छ जल नहीं है, इसलिए गाड़ी आगे चल नहीं सकती। इस देश की गाड़ी को आगे अगर चलाना है तो इंजन में चाल चलन व्यवहार चरित्र के आधार पर अच्छे नेता और कार्यकर्ता जब पानी के रूप में इंजन में रहेंगे तो ही देश की गाड़ी तेज रफ्तार से चल सकती है। और इसलिए जब अच्छे कार्यकर्ता पार्टी में आते हैं तो केवल पार्टी मजबूत नहीं होती, देश मजबूत होता है, यही उसके लिए सही उदाहरण है। महेश जी के साथ जो सब कार्यकर्ता आए उनके कारण पार्टी तो मजबूत हुई है, पर देश के लिए काम करने वाले एक अच्छी फौज पार्टी को मिली है। आज राजनाथ जी आने वाले थे, आते समय उनका मुझे फोन भी आया, उनको बहुत बुखार है, घर से उठ भी नहीं सकते, उनकी बहुत इच्छा थी पर वो आ नहीं सके। उन्होंने मुझे संदेश दिया है कि महेश जी का और आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का उन्होंने बहुत हृदय से स्वागत किया है। मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से दूध में चीनी डालकर दूध की टेस्ट और अच्छी होती है, वैसे इस क्षेत्र में महेश जी के साथ आए हुए कार्यकर्ता और हमारे पुराने कार्यकर्ता दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत बनाएंगे। दिल्ली का चुनाव सामने है, हम सबको मिलकर ताकत से काम करना है, घर हाउस टू हाउस, हार्ट टू हार्ट और मैन टू मैन लोगों तक जाना है। मैं हर समय एक बात याद करता हूं, जब देश में कठिनाई थी, गंभीर समस्याएं थी, बीजेपी की स्थापना हुई थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अरबी समुद्र के तट पर भाषण किया था, वो मेरा भारतीय जनता पार्टी का पहला दिन था 1980 में। मैं अपने लॉ की पढ़ाई करते हुए उस समय उस सभा में था, तब अटल जी ने समुद्र के तट की ओर बांद्रा रिक्लेमेशन में उनका भाषण हुआ था, उनने कहा था कि मैं डूबते हुए सूरज की तरफ देख रहा हूं और मैं घोषणा करना चाहता हूं कि जो सूरज निकलेगा अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। बहनों और भाइयों, भय भूख आतंक और भ्रष्टाचार समाप्त होगा, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने महंगाई आसमान पर जाकर पहुंचकर गरीबों का गला काटा है, उस कांग्रेस को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता दिल्ली के तख्त पर आएगी, कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा और दिल्ली का विकास होगा। यही संकल्प करके आप सब लोग यहां से जाइए, यही आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।